सबसे पहले तो बिलाल आपसे ये बात जरूर पूछनी है कि ये इतना अरसा लग गया इसकी अनाउंसमेंट के बाद और आने में, यू वांटेड पीपल टू रियली वेट फॉर इट या फिर कोई जेन्युइन रीजन था कि बहुत अरसा हो गया? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दी मूवी. एक्चुअली वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म, और इसको शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया. और नासिर साहब से जब शुरू में मुलाकात हुई थी, आई लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद नासिर साहब. सर बताएं जरा, शुरू का हमारा. नासिर साहब पूछता हूँ फिर, अगर यहाँ से शुरू करना है. सर एम्बिशियस तो होते हैं लोग, लेकिन बास ऐसी चीज़ें होती हैं सिनेमा में जो दोबारा लोग नहीं अटेम्प्ट करते बनाने की, और मौला जटपी सर्टनली उनमें से एक है. जैसे कि शोले अगर कोई आज कह के दोबारा बनानी है, मुगले आजम दोबारा बनानी है, और मौला जट हमारे लिए वही स्टेटस रखती है. तो जब आपके पास ये लोग आए कि मौला जट दोबारा बनानी है, तो आपने क्या कहा? नस जो है तो, या फिर आपने कहा नहीं अच्छा कुछ करते हैं? पहली बात तो यह कि मेरे पास लोग नहीं आए थे, मेरे पास एक लड़का आया था बड़ा मासूम सा. वो जब ये इसकी इनसाइड स्टोरी हम बाद में सुनेंगे कि ये मासूमियत क्या है. जब मैं मिला तो पता चला ये बिलाल लाशारी. तो उनके साथ एक मुलाकात मेरी पहले थी इनके साथ. वो एक आप ही का जियो का प्रोग्राम था, उसमें वार के सिलसिले में ये आए थे. जी, जी. तो दूर से ही मैंने इनको देखा था. तो इनकी फिल्म के बारे में मैंने अपने बेटे से पेशींदगोई की थी, उन्होंने मुझे भेजा था वार का टीज़र. तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये जो फिल्म है, जिस तरीके से मेरी फिल्म वैसे जाट ने ट्रेड में एक इनकलाब बर्पा किया था, ये जब आएगी तो एक नया रास्ता दिखाएगी आर्टिस्ट को, ये फिल्म हिट होगी. और वो हिट हुई. तो इतनी तारफ था मेरे इनके साथ. तो जब मैं इनसे मिला और मैंने कहा हाँ जी, तो कहने लगे नासिर साहब वो एक फिल्म बनानी है. मैंने कहा जी. अब मेरा पहला सवाल हर डायरेक्टर से ये होता है कि आपके दिल में क्या, क्योंकि मेरा ईमान है डायरेक्टर जो है वो अपने अंदर को एक्सपोज करता है और राइटर जो है वो अपने इर्द गिर्द को लिखता है. तो मैंने इनसे पूछा कोई आपके जहन में आइडिया? तो इन्होंने बड़े वो वहाँ से मुझे पता चला बड़ा मासूम आदमी है, कहने लगा मौला जट बना. अब ये जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया वो मुझे कुछ देर तो समझ ही ना आई, लेकिन चेहरे पर कमाल एतमाद था. तो इससे पहले जितनी फिल्में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट हुई हैं और जो क्लासिक फिल्मों में शुमार हुई हैं, जैसे इंडिया में शोले तो किसी ने बनाने की जरूरत नहीं की, और पाकिस्तान में मौला जट को दोबारा जो बनाना की कोशिश थी वो नहीं हुई, लेकिन उसका सीक्वल बनाया था मैंने, लिखा था जट इन लंदन. तो वो फिल्म उस नहज को तो ना पहुँच सकी, लेकिन वो एक कामयाब फिल्म थी. लेकिन वो फिल्म उस फिल्म में शुमार ना हो सके जो नोटिसेबल हो, क्योंकि वो सीक्वल था. वो लोगों ने लाइक भी किया, लेकिन वो बात ये कि जब वो फिल्म चली तो लोगों को मौला जट पहले याद आ गया, वो पर कंपैरिजन शुरू हो गया. तो कंपैरिजन जब शुरू हो जाता तो फिर आइडिया से दूर दूर होने शुरू हो जाते. तो इनके चेहरे में जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा, तो मेरे अंदर भी एक तकलीफ थी कि मैंने जट इन लंदन लिखी और वो अच्छी नहीं गई. सही. और मैंने हाँ कर दी. जब हाँ की तो उसके पीछे रीज़न एक ही थी कि मैं पुरानी फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव था, ये नई फिल्म इंडस्ट्री का नुमाइंदा था. तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ काम हो या ना हो, फिल्म जैसी भी बनेगी मैं कम अज़ कम इससे कुछ सीख लूँगा. तो मैंने हाँ कर दी. लेकिन जब हाँ कर बैठा, पैसे भी ले लिए, इन्होंने पैसे भी पूछे कितने लेंगे, तो मैंने इनको बताया जी मैंने तो कभी वो सोचा नहीं, मैं तो 15-20 साल से फिल्म लिख ही नहीं रहा. जो सखी बादशाह लिखी थी वो 1,80,000 रुपया मैंने लिया था, अब जो मर्जी दे दें. तो इन्होंने जो मुझे पैसे दिए, अगर मुझे एफ आई भाई आर वाले नोटिस ना भेज दें, तो वो मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. तो उससे मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि हमारी इंडस्ट्री क्यों बर्बाद होगी लाहौर की.